लता माँ की याद में एक नई शुरुआत आज से होने वाला है, आज से होने जा रहा है, शुरुआत हो चुका है, आप लोग भी उसमें शामिल होंगे। जितने सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको लोग सुने, दुनिया सुने, अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, तो आपको ये जान के खुशी होगी कि अपने इस चैनल को इंडियन आइडल के लोग भी वॉच करते हैं, वहाँ से भी मुझे फ़ोन वगैरह आते हैं, कई सारे स्टूडेंट को मैंने पार्टिसिपेट भी करवाया है, बड़े बड़े लोग भी, जलोटा सर से भी मेरी बात हुई है, वो भी काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं, आपकी आवाज़ कैसे वहाँ तक पहुँचेगी, एक नई शुरुआत लता माँ की याद में, आज उसी का ये एक वीडियो। कौशनी आप लोग जानते हैं, मेरे साथ ऑनलाइन क्लास में भी है, अच्छा गा रही है, बहुत खूबसूरत गीत के साथ श्रद्धांजलि लता माँ को उसने दी है, उसको भी सुनना है, उस गीत को भी सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। आप कैसे अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं मेरे चैनल के जरिए, वो भी मैं बताने वाला हूं। पहले सॉन्ग का एक लाइन मेरे तरफ से श्रद्धांजलि के रूप में, फिर कौशनी ने जो गाई है उसने तो एक और टैलेंट मुझे देखने को मुझे मिला, बहुत अच्छा एक स्केच बनाई है लता माँ का, और वो बहुत अच्छा गाई भी है। थोड़ा सा है कि ताल कहीं कहीं थोड़ा सा उसको संभालना पड़ेगा, और उसकी ज़रूरत है, अभी कर भी रही है रियाज, कहीं कहीं स्वर भी थोड़ा और ठीक करना है, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त गाई है, तो वो भी देखना है। आपकी आवाज़ कैसे पहुंचेगी ये भी मैं बताने वाला हूँ। सॉन्ग ये है, कोई साथी न सहेली नहीं, संग में अकेले, कोई देखे तो ये जाने, पनिया भरने के बहाने गगरे उठाए राधा श्याम से, हाय हाय श्याम से मिलने आए, आए भोर भये पनघट पे मोहे नट खट श्याम सताए, मोरी चुनरिया लिपट जाए, भी है आपको कौशनी के माध्यम से जो श्रद्धांजलि उसने दी है। और उसके बाद अंत में बताता हूं कि आप अपनी आवाज कैसे पहुंचा सकते हैं लोगों तक, ये भी बताने वाला हूं। चलिए पहले देखते हैं किस हिसाब से गाई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त गाई है, और ये सॉन्ग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप तैयार भी कर सकते हैं, और लास्ट तक देखिए, मैं बताने वाला हूं कि आपकी आवाज कैसे पहुंचेगी वहां तक। ओके, नमस्ते, लता मां हमारे दिल में है और हमेशा रहेगी। आज मैं मेरी गाने के जरिए लता माँ को श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ, उनको सत्यकृति प्रणाम।
बढ़िया प्रैक्टिस है, काफी अच्छा रियाज है। आप लोग का आशीर्वाद भी मिल रहा है कमेंट के जरिए और काफी बड़े बड़े कंपटीशन में हिस्सा भी ले रही है। आप भी मेरे चैनल के जरिए अगर आप कुछ तैयार किए हैं लता जी की याद में, लता जी का कोई सॉन्ग, गीत, गजल, तो आप उसका छोटा सा क्लिप बना के मुझे भेजें। तो ये ज़रूरत नहीं है कि सारे लोगों का वीडियो मैं अपलोड करूंगा, लेकिन जिनका थोड़ा सा लेवल में लगेगा उनका वीडियो उनके नाम के साथ ज़रूर मैं अपलोड करूंगा और लोगों तक पहुंचेगा और फिर फर्दर आपको लोग जानेंगे भी। तो आप अपना वीडियो इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझे भेज सकते हैं, अपना नाम एड्रेस ऐसा लिख के मुझे भेज सकते हैं। चाहे आप मेरे साथ क्लास में हैं नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लता माँ की याद में मैं चाहता हूँ कि ये एक नई शुरुआत हो, कि लाखों लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचाऊँगा मैं। ये मैं अपनी तरफ से संगीत का एक धर्म समझता हूँ, संगीत सेवा का एक धर्म समझता हूँ। तो ये एक नई शुरुआत है, इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए अपना वीडियो छोटा सा क्लिप आप बना के भेज सकते हैं, जिसको मैं आपके नाम के साथ मैं शेयर करूँगा, लोगों तक पहुँचाऊँगा। ओके, ये देखते हैं कहाँ तक ये बात पहुँचती है। आप लोग बिल्कुल मेरे साथ बन के रहें और ये सिलसिला मुझे लगता है कि आगे तक चलना है। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।